Hello, my dear kids. Welcome back. I'm Vandana and we are learning English Reader. And this is book 6 by Brain Root series. Here is a book, children. And the name of your book is Literary Journeys. Today we are going to start a new chapter, which is chapter number 6 of your book. And the name of the chapter is Chipko Movement. So do you know what is Chipko Movement? क्या आपने इसके बारे में कभी पढ़ा है SST में या कहीं और? So let's see what's it. Before that, let's start with the warming up. So the cutting of trees in a forest to a large extent is called deforestation. तो पेड़ों को काटना काफी ज्यादा अमाउंट में, इसे हम deforestation कहते हैं. This process is led due to the clearing of forest for settlement. ये जो process है, क्यों, कैसे start होता है? Forest को settle कर देते हैं किस चीज़ के लिए? Agriculture के लिए या business purposes के लिए. हम या तो forest को clean करके वहाँ पर agriculture करते हैं, या फिर business का काम करते हैं, या फिर घर वगैरह बना लेते हैं. तो ऐसे ही हम deforestation को create करते हैं. It has become a serious environmental concern. ये काफ़ी बड़ा environmental problem हो चुका है, environmental concern हो चुका है. India is striving hard to increase its forest cover from 25% to 33%. अब India क्या कर रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है. Striving hard means मेहनत कर रही है अपने forest को increase करने के लिए. और अब अपने forest को ये 25 से 33% तक इंक्रीज कर रही है. डू यू नो दैट इन 1970 देयर वॉज अ मूवमेंट कॉल्ड चिपको मूवमेंट. क्या आपको पता है 1970 में एक मूवमेंट किया गया था जिसे चिपको मूवमेंट कहते हैं. व्हेन मेन एंड वुमेन हग द ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कटिंग. जब इस मूवमेंट में क्या हुआ, लोगों ने ट्री को हग किया उसे कट करने से बचाने के लिए. लेट्स रीड मोर अबाउट दिस यूनिक मूवमेंट एंड हाउ इट स्टार्टेड. तो चलिए इस मूवमेंट के बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. वुमेन एंड मेन स्टैंडिंग अराउंड ट्रीज. बहुत सारे मेन और वुमेन पेड़ों के पास खड़े थे. हगिंग देम, उन्हें पकड़ के, उन्हें गले लगा के. होल्डिंग ईच अदर्स हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और पेड़ को गले लगा रखा था. किसने, मेन और वुमेन ने. This was the scene in a village in Uttar Pradesh. तो उत्तर प्रदेश के एक विलेज में, एक गांव में ये सीन देखने को मिला. कब था, 1973 में. Now in Uttarakhand where the modern Chipko movement took birth. जहाँ पे जो है चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ. Under the aegis of Sundarlal Bahugunna. Sundarlal Bahugunna ने जो है इस चिपको मूवमेंट को स्टार्ट किया था. अ नोटेड गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट. ये कौन थे, एक एनवायरमेंटलिस्ट थे जो एनवायरमेंट का ध्यान रखते हैं, उन्हें एनवायरमेंटलिस्ट कहते हैं. जो एनवायरमेंट के लिए पढ़ाई करते हैं या उसका ध्यान रखता है या एनवायरमेंट से जुड़ी चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं. तो सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे, ये एक गढ़वाली थे और ऊपर से एक एनवायरमेंटलिस्ट भी. दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. उनके हिसाब से ये क्या था, एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म था रेजिस्टेंस का अगेंस्ट रैपिडली कटिंग ऑफ ट्रीज, जिससे जो है पेड़ों के बहुत जल्दी कटने को रोका जा सकता था. वेयर पीपल अरेस्टेड देयर राइट्स ओवर नेचर गोइंग टू प्रोटेक्ट देम. तो जहां पर लोगों ने क्या किया, अपने आप को अरेस्ट करवाना ज्यादा अच्छा समझा पेड़ों को कटने से, और उनको जो है इन पेड़ों को इन लोगों ने प्रोटेक्ट किया इस तरीके से. चिपको मूवमेंट डेट्स बैक इन 1730 AD. चिपको मूवमेंट जो है 1730 AD में स्टार्ट हुआ. व्हेन इन केजरली विलेज ऑफ राजस्थान 363 पीपल ऑफ द बिश्नोई ट्राइब सैक्रिफाइज देयर लाइव्स टू सेव केजरी ट्रीज. जहाँ पे क्या हुआ कि खेजराली विलेज में, जो राजस्थान में है, 363 लोगों ने, जो कि बिश्नोई ट्राइब के थे. बिश्नोई एक ग्रुप है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं इंडिया में. तो बिश्नोई एक ग्रुप है
तो इन लोगों ने मिलकर जो क्या किया, अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था केजरी ट्रीज को बचाने के लिए। तो यहीं से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। अ वुमेन नेम अमृता देवी लेड द मूवमेंट। तो यहाँ पे इस मूवमेंट को अमृता देवी ने स्टार्ट किया था इन द 18th सेंचुरी एंड लेड डाउन हर लाइफ अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ विलेजर्स। तो कुछ विलेजर्स को अपने साथ रखा उन्होंने, और जिसमें उन्होंने क्या किया, अपनी जान की परवाह नहीं की और पेड़ों को बचाया। वाइल प्रिवेंटिंग द फेलिंग ऑफ ट्रीज ऑन द ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर। तो वहाँ पे क्या हो रहा था, जो जोधपुर के जो किंग थे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि सारे पेड़ों को काट दो, उन्हें कुछ ज़रूरत होगी, तो उन्होंने पेड़ों को काटने के लिए कहा। तो उसके बाद अमृता देवी सामने आई, उन्होंने पेड़ों के साथ ऐसा ही चिपको मूवमेंट टाइप का कुछ किया, और जिसके बाद ये पहली शुरुआत थी चिपको मूवमेंट की। जिसके बाद क्या हुआ, आफ्टर दिस इंसिडेंट द किंग इन द रॉयल डिसीज बैंड कटिंग ऑफ ट्रीज इन ऑल द बिश्नोई विलेजेस। जिसके बाद क्या हुआ कि जितने भी बिश्नोई विलेजेस थे, जहाँ ऐसे गांव जहाँ पे बिश्नोईज रहते थे, उन सब जगहों पे पेड़ का कटना बंद हो गया। ये जो किंग थे इन्होंने बैन कर दिया कटिंग ऑफ ट्रीज इन विलेजेस में। द मॉडर्न मूवमेंट वॉज अ कलेक्टिव प्रोटेस्ट दैट द रूलर फोक अंडरटुक। तो ये जो मॉडर्न मूवमेंट है, जिसे आज हम चिपको मूवमेंट के नाम से जानते हैं, ये क्या है, ये उस का ही मीन्स अमृता देवी के जो प्रोटेस्ट था उसका ही एक आउटकम है जो आज चला रहा है। बेस्ड ऑन द गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस। अब ये जो चिपको मूवमेंट है किस पे बेस है, गांधी जी का जो प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस का, उस पे ही बेस था। मीन्स कि आप लड़ेंगे नहीं, हम किसी को मारेंगे नहीं, हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे और प्रोटेस्ट करके ही जीत जाएंगे। दिस वॉज अ कॉन्सर्ट वे टू हॉल्ड द रेविजिंग ऑफ द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस। इसकी वजह से क्या हुआ, जो फुटहिल्स थे हिमालय जो था, वहाँ जो उसके फुटहिल्स थे, वहाँ के जो भी ट्रीज थे, उसे जो है बचाया जा सका। इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स का डाउन एकर्स ऑफ ट्रीज एंड स्टोल टिम्बर। अब क्या होता था कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे, डेवलपर्स थे, वो क्या करते थे, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाते थे, पेड़ों को काटते थे और टिम्बर को जो है चुरा लेते थे। स्टोल मतलब चुरा लेते थे। टिम्बर क्या हुआ, लकड़ी। अब पेड़ों को काटे तो जो लकड़ी निकली वो क्या हो गया, एज अ टिम्बर यूज किया जाता था, उससे फर्नीचर बनाया जाता, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स बनाए जाते थे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, इन पेड़ों को काट के उन्हें इलीगली बेच दिया करते थे, पैसे कमाते थे वो। तो और कहते क्या थे कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बना रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, और उस डेवलपमेंट की वजह से ये पेड़ काटने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कैसे लोग जो है एक पेड़ के चारों तरफ हाथ पकड़ के खड़े हैं, चिपको मूवमेंट ये शो करता है। द प्राइजिंग अगेंस्ट द फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ओरिजिनेटेड इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। अब क्या हुआ, पेड़ों को कटने से बचाने के लिए चमोली डिस्ट्रिक्ट जो है कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर भी लोग जो है जागरूक हो गए। कब, 1973 में। एंड इन नो टाइम स्प्रेड अक्रॉस अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। और नॉर्थ इंडिया के जो दूसरे स्टेट्स थे वहाँ तक भी ये बातें पहुँच गई, ये प्रोटेस्ट पहुँच गया। द नेम चिपको कम्स फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस। चिपको का वर्ड है एम्ब्रेस करना, गले लगाना। As the villagers hugged the trees and prevented them from being cut down. तो villagers क्या करते थे, पेड़ों को कटने से बचाया करते थे इस movement में। The Chipko Andolan is a movement that practiced the methods of satyagraha. So ये जो Chipko movement था, ये जो है एक तरीके का movement था, एक तरीके का method था जो सत्याग्रह की राह पे चल रहा था। वे बोथ मेल एंड फीमेल एक्टिविस्ट फ्रॉम उत्तराखंड प्लेड वाइटल रोल्स। जहाँ पे जो दोनों मेल्स थे और जो फीमेल्स थे, दोनों मिल के काम कर रहे थे, सत्याग्रह की राह पे चल रहे थे। इंक्लूडिंग गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी एंड चंडी प्रसाद भट्ट। सो आप देख सकते हो इन सारे नामों में से कुछ पिक्चर्स आपके सामने हैं, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी
और सुंदरलाल बहुगुणा। तो इन सब एक्टिविस्ट ने क्या किया, जो है वर्कआउट किया कि कैसे हमें ट्रीज को बचाना है और इस मूवमेंट में सहयोग दिया। अ मूवमेंट ऑफ द वुमेन, अब ये जो मूवमेंट था ये वुमेन्स का मूवमेंट बन चुका था। अ फ्यू मंथ्स लेटर इन 1973 के बाद कुछ महीने बाद ही 1974 में द गवर्नमेंट अनाउंस द ऑक्शन ऑफ 250 ट्रीज। गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 250 ट्रीज को ऑक्शन किया जाएगा, मींस उनकी बोली लगाई जाएगी। नियर रेनी विलेज इन उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के पास एक विलेज है रेनी, वहां पे इनकी बोली लगाई जा रही थी। ओवरलुकिंग द अलकनंदा रिवर, और इसके पास ही अलकनंदा रिवर थी, उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। द विलेजर्स केम टूगेदर टू प्रोटेस्ट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट बाई हगिंग द ट्रीज। अब जो विलेजर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस सब के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हम गवर्नमेंट से हम लड़ेंगे, और कैसे लड़ेंगे, नॉन वायलेंस से, मीन्स सत्याग्रह से। तो उन्होंने सोचा कि हम ट्रीज को हग करेंगे जिससे जो है इन ट्रीज की बोली नहीं लगाई जाएगी, ना इन्हें बेचा जाएगा। सो ऑन मार्च 24, 1974, तो मार्च 24, 1974 में क्या हुआ, द डे द लुम्बर मैन वर टू कट द ट्री इन रेनिया, लोकल गर्ल रश्ड टू इन्फॉर्म गौरा देवी। तो जिस दिन ये बोली लगाई जा रही थी, जिस दिन उन पेड़ों को काटा जा रहा था, तो उस दिन एक लड़की, छोटी लड़की भाग के गौरा देवी के पास गई, उन्हें इन्फॉर्म किया उसने। द हेड ऑफ द विलेज महिला मंगल दाल एट रेनी विलेज, तो वो कौन थी, गौरा देवी थी वहाँ की, उस विलेज के महिला मंगल दल की हेड थी जो कि रेनी विलेज की है। गौरा देवी लेड 27 ऑफ द विलेज वुमेन टू द साइट एंड कन्फ्रंटेड द लॉगर्स। अब गौरा देवी 27 दूसरी औरतों के साथ वहाँ पे पहुँची विलेज की और उन लॉगर्स को कन्फ्रंट किया, उनके सामने खड़ी हो गई। कन्फ्रंटेशन एंड डिस्कशन बिटवीन द टू ग्रुप्स फेल्ड। अब वो जो लेडीज थी और वो जो कन्फ्रंटर्स थे, उन दोनों के बीच में जो भी डिस्कशन हुआ वो सब कुछ फेल हो चुका था। द लॉगर्स स्टार्टेड टू शाउट एंड अब्यूज द वुमेन, जो लॉगर्स थे वो चिल्लाने लगे, उन वुमेन्स को गालियाँ देने लगे, थ्रेटनिंग देम विथ गन्स, उन्हें जो है धमकी देने लगे, थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देने लगे उन्हें कि आपको जो है बंदूक से मार दिया जाएगा। द वुमेन इन द पीस प्रोटेस्ट रिसॉर्टेड टू हगिंग द ट्रीज टू स्टॉप देम फ्रॉम बीइंग फेल्ड। तो वुमेन जो थे वो क्योंकि वो जो प्रोटेस्ट दूसरे लोग थे जो लॉगर्स थे, उन्होंने धमकी दी इन वुमेन को, तो वुमेन ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट किया, वो जाके पेड़ों को उन्होंने हग किया, मींस गले लगाया जैसे ये, एंड उन लोगों को पेड़ों को काटने से रोका। द वुमेन केप्ट ऑन ऑल नाइट विजिल गार्डिंग द ट्री फ्रॉम द लॉगर्स। अब उन औरतों ने क्या किया, पूरी रात जाग के उन पेड़ों की रखवाली की उन लोगों से बचाने के लिए। अनटिल अ फ्यू ऑफ देम अनेबल टू डू एनीथिंग लेफ्ट द विलेज। अब उनमें से जो कुछ थे वो कुछ भी नहीं कर पाए और उन्होंने गांव छोड़ दिया। द न्यूज ऑफ रेजिस्टेंस स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर टू नियर बाई विलेजेस एंड मोर पीपल ज्वाइन इन। अब ये जो न्यूज थी ये आग की तरह फैल गई दूसरे विलेजेस में भी, और जो वहाँ के लोग थे वो भी ज्वाइन करने लगे इस मूवमेंट में। फाइनली द न्यूज रीच द स्टेट चीफ मिनिस्टर। अब ये न्यूज कहाँ तक पहुँच चुकी थी, स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर थे हेमवती नंदा बहुगुणा, वहाँ तक पहुँच चुकी थी। हु सेट अप अ कमिटी टू कंसिडर द मैटर, जिन्होंने एक कमिटी बनाई जिसमें इस मैटर के बारे में बात किया जा रहा था। इवेंचुअली इट रूल्ड इन फेवर ऑफ द विलेजर्स। अब जो है वहाँ पे उस कमेटी में सारा डिस्कशन वगैरह हुआ और फिर उन्होंने क्या फैसला सुनाया जो कि विलेजर्स के हित में था। दिस बिकेम अ टर्निंग पॉइंट टू द हिस्ट्री ऑफ इको डेवलपमेंट स्ट्रगल्स इन द रीजन एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो अब क्या हुआ, जब ये रूल पास ऑन हुआ जो कि विलेजर्स के फेवर में था, तो ये रूल एक टर्निंग पॉइंट बना जो एक हिस्ट्री बन गया, एंड जो कि इकोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी था उसमें हेल्प कर रहा था,
और ये पूरे वर्ल्ड में ये जो भी डिसीजन था वो फेमस हो गया. इन 1977 इन अनदर एरिया. अब 1977 में क्या हुआ, दूसरी जगह पे वुमेन टाइड सेक्रेट थ्रेड्स ऑन ऑफ रक्षाबंधन अराउंड ट्रीज एंड मार्क्ड ये मार्क फॉर फिलिंग. तो अब जो है 1977 में क्या हुआ कि जो दूसरा जगह था वहाँ पे इन औरतों ने क्या किया, एक पवित्र धागा, सेक्रेट थ्रेड मीन्स पवित्र धागा बांधा, जिसे रक्षाबंधन कहा जाता है पेड़ों के चारों तरफ. इस चीज़ को बताने के लिए कि हम पेड़ों से कितना प्यार करते हैं, ये बात याद रखने के लिए. अकॉर्डिंग टू द हिंदू ट्रेडिशन इट सिग्निफाइज अ ब्लड बॉन्ड बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर. तो अगर हम हिंदू ट्रेडिशन की बात करें तो रक्षाबंधन में हम क्या करते हैं, भाई की कलाई पे राखी बांधते हैं. सो वो क्या बताता है कि ये भाई बहन का रिश्ता है. तो ऐसी वहाँ की औरतों ने उस पेड़ पे राखी बांधी. इंडिया नीडेड अ चिपको मूवमेंट, नीड्स अ चिपको मूवमेंट अगेन. अब इंडिया में फिर से एक चिपको मूवमेंट की ज़रूरत है. ओवर द लास्ट 30 years फॉरेस्ट नियरली 2/3 ऑफ द साइज ऑफ हरियाणा 15,000 स्क्वायर किलोमीटर हैव बीन लॉस्ट टू एनक्रोचमेंट्स एंड 23,716 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स 14,000 स्क्वायर किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा. सो अभी जो लास्ट 30 years थे वहाँ पे क्या हुआ कि जो फॉरेस्ट हैं वो 2/3 हो चुके हैं साइज में, जो कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैले हुए थे, और अब ये जो है खो चुके हैं, और अब ये हो चुके हैं यहाँ पे जो है 23,716 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स बन चुके हैं जो कि 14,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक फैले हुए हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा. तो सोचिए इतने एरिया में जो है ट्रीज थे और अब इतने एरिया में क्या हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज ग्रो हो चुकी हैं. तो आप देखिए कितना कम एरिया बचा है पेड़ों के लिए. द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर नॉट एन आंसर टू दिस. सो गवर्नमेंट ये भी जानती है कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट इसका एक सोल्यूशन नहीं है. द गवर्नमेंट फिगर्स आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. जो गवर्नमेंट फिगर है वो किसकी तरह है, आइसबर्ग के टिप की तरह है. टीवी रामचंद्रा एसोसिएट फैकल्टी सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सेड आवर स्टडी शोज दैट डेंस फॉरेस्ट एरिया इज इन नॉर्दर्न सेंट्रल एंड साउदर्न वेस्टर्न घाट्स हैव डिक्रीज बाई 2.84%. सो टीवी रामचंद्रा ये एक एसोसिएट फैकल्टी हैं कहाँ के, सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंस के, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में. उन्होंने कहा कि आवर स्टडी शोज दैट डेंस फॉरेस्ट एरिया इन नॉर्थ सेंट्रल एंड साउथ वेस्टर्न घाट्स हैव डिक्रीज. तो उनके स्टडी के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट हैं इन सारे एरियाज में काफ़ी कम हो चुके हैं इतने परसेंट से. एंड ओवर द लास्ट डिकेड्स मीन्स पिछले 10 सालों में इन इंडिया स्पेंड .com कोटेड हिम इन इट्स रिपोर्ट. तो आप इस वेबसाइट पर जाके इससे रिलेटेड डिटेल्स भी देख सकते हैं. द रिपोर्ट से दैट प्रेजेंटली अप टू 25,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट विच मीन्स 250 स्क्वायर किलोमीटर और मोर देन ट्वाइस चंडीगढ़ एरिया आर हैंडेड ओवर एवरी ईयर फॉर नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज. तो रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो 25,000 हेक्टेयर एरिया है फॉरेस्ट एरिया जो कि ज़्यादा है, मोर देन ट्वाइस चंडीगढ़ के एरिया से दुगना है, इसे जो है हैंड ओवर कर दिया गया है किस चीज़ के लिए, नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ के लिए, इंक्लूडिंग डिफेंस प्रोजेक्ट डैम्स माइनिंग पावर प्लांट इंडस्ट्रीज एंड रोड. तो इन सारे कामों के लिए इतना एरिया हैंड ओवर किया गया है. इंडियाज फॉरेस्ट नाउ कवर 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर और 24.62% ऑफ द कंट्री कंपेयर टू
640,819 square kilometer. 35 years ago, according to the Indian State of Forest Report 2021, the latest available. So 2021 में जो ये latest report आई थी State Forest Report, India State Forest Report, उसके according जो है इतना जो area है वो cover होता है under the company जो कि इतना था पिछले 35 years पहले. Defense project, dams and mining projects get most of the forest land. So ये जो भी डिफेंस प्रोजेक्ट होते हैं या जो डैम्स के जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो माइनिंग प्रोजेक्ट होते हैं, ये ज़्यादातर लैंड को कवर करते हैं. कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन इज नॉट द आंसर टू रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन. सो कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन जो है इसका एक आंसरेबल आप कह सकते हो सही आंसर नहीं है इस रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन के. एज अ डाइवर्सिटी इन फॉरेस्ट इज लो When only a certain type of tree are planted. तो अगर एक तरीके के पेड़ों को ही ग्रो किया जाए तो जो डाइवर्सिटी है वो कम होती है. As compensation, it's the collapse of an ecosystem. और धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये ट्रीज जो डिक्रीज होते जाएंगे, इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा. The rate at which urbanization is taking place, ऐसा रेट जिस रेट पे अर्बनाइजेशन चल रहा है, ट्रीज आर बींग फेल्ड, पेड़ों को गिराया जा रहा है, एंड द वाइड स्प्रेड एनकॉचमेंट एंड द फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड इंक्रीज इन पॉल्यूशन चोकिंग अर्बन ड्वेलर्स. तो यहाँ पे जो है अर्बनाइजेशन को बढ़ावा हो रहा है एंड पेड़ों को गिराया जा रहा है. अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज इसका एक फैक्टर है. जैसे जैसे पेड़ कट रहे हैं उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, और जो अर्बन ड्वेलर्स हैं वो फ्रीली नहीं रह पा रहे हैं. परहैप्स इट्स टाइम दैट वी लर्न अ लिटिल मोर फ्रॉम द हीरोज ऑफ सच मूवमेंट. तो ये अब टाइम आ चुका है कि हमें ऐसे हीरोज से और कुछ सीखना चाहिए. मोर कंसिडरेट टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट. हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और ज़्यादा कंसिडरेट होना चाहिए, और ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए. नाउ सो चिल्ड्रन, दिस वॉज अ चैप्टर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी विच इज वर्ड मीनिंग. सो ये द फर्स्ट वर्ड इज एजेस विच मीन्स सुपरविजन. रैम्पेंट मीन्स अनकंट्रोल्ड. कंसर्ट इज कलेक्टिव. रैवेजिंग मीन्स डिस्ट्रक्शन. Embrace means hold something closely in arm. Lumberman means people who cut trees and logs. Now vigil is to keep a watch at night. Earmarked means reserved for a specific purpose. Encroachment means act of taking away someone else's property or rights. Choking means suffocating. And dwellers means people living in a specific area. So these are the meanings, children, of the given important words. Now let's move on to book exercise. And here comes your comprehension. And the first exercise over here is multiple choice questions. So children, the first question over here is, the name of the movement Chipko comes from the word meaning to love, to save, to embrace, or to give. So here the correct answer is to embrace. Sundarlal Bahuguna was a noted Gadwali columnist, environmentalist, economist, or scientist. So he was a environmentalist. Similarly, do the rest of the questions. So these questions you have to do yourself. Now children, let's move on to B part. Here what you have to do, you have to find the word from the text which mean the same as. तो यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं, इनसे same related words आपको ढूंढने हैं. To stop को हम to stop word जो है हमने इस chapter में कहीं पढ़ा है, और उससे आपको जो है correct word को choose करना है. Same meaning वाले words को आपको यहाँ से chapter में से ढूंढना है और फिर यहाँ पे लिखना है. So this you have to do yourself.
So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be waiting for you with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.